Oh hi, what's up guys, it's Richie back again with a new bomb video and welcome back to my channel Richitwa Creations. So guys, अगर आपने अभी तक मुझे Instagram पर follow नहीं किया तो जल्दी से follow कर दीजिए. So guys, आज की इस video में हम करने वाले हैं कुछ इस तरीके की photo editing. So subscribe कर दीजिए मेरे channel को and without wasting any more time, let's go. अपने गैलरी में से शेयर कर लेंगे इस बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में. इस वीडियो में हम जो भी बैकग्राउंड पीएनजी यूज़ करेंगे उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. यहां साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, यहां से हमें ऐड फोटो पर क्लिक करना है. ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने मॉडल की पिक्चर को यहाँ से ऐड करना है कुछ इस तरीके से. ऐड करने के बाद आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके की पोज में फ़ोटो क्लिक करनी है. तो यहाँ साइड में हम देख सकते हैं इरेजर टूल, यहाँ पर क्लिक कीजिए. क्लिक करने के बाद हार्डनेस को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे. हार्डनेस बढ़ाने के बाद साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं और यहाँ से जूम करेंगे और कुछ इस तरीके से इरेज करते जाएंगे गाइज हम. तो मैं जल्दी जल्दी इरेज कर लेता हूँ. A few moments later. So guys, आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर लिया है. सो यहाँ से राइट कर लेंगे. राइट करने के बाद इस मॉडल को यहाँ बराबर से सेट करेंगे. सो यहाँ से राइट कर लेंगे. राइट करने के बाद हम यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ टूल्स पर जाएंगे. टूल्स पर जाने के बाद हम यहाँ से एडजस्ट पर जाएंगे. एडजस्ट पर जाने के बाद हम यहाँ से ब्राइटनेस को पूरा कम कर लेंगे. यहाँ इरेजर टूल पर जाएंगे. उसके बाद यहाँ से हम इन्वर्ट कर लेंगे. फिर रिस्टोर के ऑप्शन पर जाकर हार्डनेस को हम कम कर लेंगे, 22-21 कर लेंगे और साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेंगे. लगभग आप देख सकते हो इतना कर लेंगे. उसके बाद गाइज यहाँ से हमें डार्क टोन ऐड करना है कुछ इस तरीके से. इस तरीके से हम यहाँ डार्क टोन ऐड कर लेंगे, थोड़ा फेस पर भी इस तरीके से डार्क टोन ऐड करने के बाद हमें यहाँ राइट पर क्लिक करना है. उसके बाद हम जाएंगे सैचुरेशन पर. सैचुरेशन भी थोड़ा कम कर लेंगे. उसके बाद गाइज हम यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे. तो आप देख सकते हैं डार्क टोन आ चुका है. गाइज अभी तक आपने इस वीडियो का लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मैं रुका हुआ हूँ. तो यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे. यहाँ आप देख सकते हैं ऐड फोटो है, यहाँ पर जाएंगे. उसके बाद यहाँ से हम अपने जुगनू की पीएनजी ऐड कर लेंगे. मुझे नहीं पता गाइज आप इसे क्या कहते हो, तो मुझे कमेंट कर दीजिए आप इसे क्या कहते हो, तो मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ. ऐड करने के बाद हम यहाँ इसे अपने हैंड पर सेट कर लेंगे बराबर से. आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें यहाँ बराबर से सेट करना है गाइज. तो यहाँ हम सेट कर लेते हैं और यहाँ से राइट क्लिक कर देते हैं. सेट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ फिर से ऐड फोटो में जाएंगे. यहाँ पर ऐड फोटो में जाने के बाद मेरे पास एक लाइट की पीएनजी है, उसे हम यहाँ ऐड कर लेंगे. तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं. ऐड करने के बाद यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ ब्लेंड पर जाएंगे. उसके बाद यहाँ से स्क्रीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे. तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन हो चुका है. उसके बाद यहाँ हम इसे यहाँ पर सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से हमें सेट करना है. और उसके बाद यहाँ इरेजर टूल पर जाना है. इरेजर टूल पर जाने के बाद हार्डनेस को कम करके साइज भी कम कर लेना है गाइस. सो उसके बाद यहाँ से हम बॉर्डर जो है उसे इरेज कर लेंगे इस लाइट के पीएनजी की. सो बॉर्डर इरेज करने के बाद हम यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा लाइट आ चुका है. उसके बाद गाइस हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे. ऐड फोटो में जाने के बाद हम फिर से एक लाइट की पीएनजी को ऐड कर लेंगे. सो यहाँ से ऐड कर लेते हैं. ऐड करने के बाद हम फिर से ब्लेंड पर जाएंगे यहाँ और फिर से स्क्रीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन हो चुका है. तो इसे बराबर यहाँ सेट कर लेंगे गाइस. तो आप देख सकते हैं ये सेट हो चुका है. तो इरेजर पर जाएंगे. इरेजर पर जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है, इसे हम इरेज कर देंगे. हार्डनेस को कम कर लेंगे और साइज़ भी कम कर लेंगे और यहाँ हम इरेज कर लेंगे इस बॉर्डर को. ऐसे लगना नहीं चाहिए कि ये नकली है करके. तो हम यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे. उसके बाद आप देख सकते हैं अपने फ़ोटो रेडी है. तो हम यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे. राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे. एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ गैलरी वाला ऑप्शन लेकर यहाँ से हम डन कर लेंगे गाइस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग.